हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में साल 2023 प्लस में साल 2022 के मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है ये भी हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। सो वीडियो लेंथी ज़रूर है बट बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एंड तक लाजमी देखें। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग इन टूरिज्म इन 2023। सो इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान है। पाकिस्तान को बेस्ट परफॉर्मिंग इन टूरिज्म 2023 डिक्लेयर कर दिया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की जानिब से, जो कि यूनाइटेड नेशंस की है। सो पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। हु हैज़ बिकम द हाइएस्ट पेड वेमेन एथलीट ऑफ 2023 में ख्वातीन की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली एथलीट कौन बन गई है। सो इसका करेक्ट आंसर इग्गा स्वियातेक है। इग्गा स्वियातेक जो है हाईएस्ट पेड विमेन एथलीट हैं 2023 की, और इन्होंने 2023 में एस्टीमेट के मुताबिक 23.9 मिलियन US डॉलर कमा लिए हैं, और ये एक टेनिस स्टार हैं। और आपको मालूम होगा कि टेनिस में सबसे ज़्यादा पैसा होता है, इवन कि क्रिकेट से भी ज़्यादा टेनिस में पैसा होता है। और इग्गा स्वियातेक जो हैं ये पोलैंड की टेनिस स्टार हैं। हु हैज़ बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ 2023, साल 2023 में अमीर तरीन, दुनिया का अमीर तरीन बंदा जो है वो शख्स जो है वो एलोन मस्क है। ये US से ताल्लुक़ रखता है और ये 2023 का अमीर तरीन यानी कि रिचेस्ट पर्सन है, और इसकी नेट वर्थ जो है वो 229 बिलियन US डॉलर है, और ये US से ही बिलोंग करते हैं। हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज ड्यूरिंग 2023, यानी कि साल 2023 के दौरान दुनिया की कितनी पॉपुलेशन में इंक्रीज हुई, कितना पॉपुलेशन में इजाफा हुआ। सो 75 मिलियन इसका करेक्ट आंसर है। US सेंसस ब्यूरो के मुताबिक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 75 मिलियन इजाफा हुआ है 2023 में, और जो ग्रोथ रेट है वो 0.95% है। और करंटली वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन है, यानी कि 8 अरब लोग वर्ल्ड में रहते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते हैं। विच कंट्री है रिसेंटली अनाउंस टू रिमूव ब्रिटिश मोनार्क फ्रॉम करेंसी नोट्स। सो इसका करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में एक अनाउंसमेंट कर दी है, और उन्होंने कहा है कि उनकी जो करेंसी है उस पर ब्रिटिश मोनार्क की जो पिक्चर है उसको वो रिमूव कर देंगे। सो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान वन हाउ मेनी मेडल्स इन एशियन गेम्स 2023, एशियन गेम्स जो कि 2023 में हुए इसमें पाकिस्तान ने 3 मेडल्स जीते, जिसमें 1 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर वीमेन रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सो इसका करेक्ट आंसर जजीरा असलम है। जजीरा असलम ये पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून रजिस्ट्रार यानी कि विमेन रजिस्ट्रार बनी हैं। सो जजीरा असलम इसका करेक्ट आंसर है। हु बिकम्स फर्स्ट एवर पाकिस्तानी टू विन सिल्वर मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023। सो इसका करेक्ट आंसर अरशद नदीम है। अरशद नदीम पहले पाकिस्तानी बन गए हैं जिन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 में सिल्वर मेडल से नवाजा गया है, और इन्होंने नेज़ा फेंका, नेज़ा 87.82 मीटर जाकर दूर गिरा और इन्हें सिल्वर मेडल मिला। पाकिस्तान होस्टेड 48th सेशन ऑफ OICFM ऑन विच डेट। सो इसका करेक्ट आंसर 23rd मार्च है। 23 मार्च को पाकिस्तान ने 48वां जो सेशन हुआ OIC का यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के फॉरेन मिनिस्टर्स का, FM यानी कि फॉरेन मिनिस्टर्स का, और ये PTI के दौरे गवर्नमेंट में जो है ये हुआ था इजलास 23 मार्च 2022 को, और ये इस्लामाबाद में इसको मुनक्किद किया गया था। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंक 161 है। टोटल इसमें 192 स्टेट्स थे जिसमें पाकिस्तान की रैंक 161 है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2023, साल 2023 का जो अर्थ डे था इसका जो थीम था वो था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, और यही सेम क्वेश्चन CSS MPT टेस्ट में भी पूछा गया है। वर्ल्ड अर्थ डे ज़मीन का आलमी दिन 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसका जो थीम है वो हर साल चेंज होता है, और 2023 का थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट।
द वार बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया स्टार्टेड ऑन विच डेट. सो इसका करेक्ट आंसर 24 फेब है, 24 फरवरी 2022 को. ठीक है, 2022 को यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो है जंग का आगाज हुआ, 24 फरवरी 2022 इसका करेक्ट आंसर है. विच कंट्री इज लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन 2023. सो इसका करेक्ट आंसर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है. अमेरिका जो है एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है थी 2022 में, और उसमें बताया गया है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिलिट्री पर स्पेंड जो है वो यूएस करता है, अमेरिका करता है, यानी कि अपनी आर्मी पर खर्च सबसे ज़्यादा ये करता है. हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस इन मई 2022. सो इसका करेक्ट आंसर एलिजाबेथ बोर्न है. एलिजाबेथ बोर्न जो है ये मई 2022 में वज़ीर आज़म बनी थी फ्रांस की, और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे एमिनुअल मैक्रेन, और ये खातून जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी. वैन तालिबान टुक ओवर कंट्रोल ऑफ काबुल, तालिबान ने 2021 को 15 अगस्त 2021 को जो है वो काबुल का जो है कंट्रोल अपने जो है हाथ में ले लिया. इससे पहले यूएस के फोर्सेस और नेटो के फोर्सेस यहाँ विराजमान थे, लेकिन तालिबान ने ये कंट्रोल अगस्त 2021 में संभाला है. पाकिस्तान वाज ऑफिशियली रिमूव्ड फ्रॉम एफएटीएफ ग्रे लिस्ट ऑन विच डेट. सो पाकिस्तान को 21 अक्टूबर 2022 को जो है वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है. एफएटीएफ स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी. सो इसका करेक्ट आंसर शर्मुल शेख है. COP27 जो है जो कि 2022 में हुआ था, ये हुआ था शर्मुल शेख इजिप्ट में. 2023 में जो हुआ है COP28, ये हुआ है अपने दुबई UAE में. और 2024 में जो होगा COP29, वो बाकू अजरबैजान में मुनक्द किया जाएगा. सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गुतरेस अराइव्ड पाकिस्तान इन. सो इसका करेक्ट आंसर सितंबर 2022 है. 2022 में पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर फ्लड आया था, तो सितंबर 2022 में एंटोनियो गुतरेस जो हैं यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, वो पाकिस्तान दौरे पर आए थे. G20 समिट 2022 में जो हुआ है ये इंडोनेशिया में हुआ था, 2023 में इंडिया में मुनक्द किया गया. यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रिसीव्ड विच अवार्ड इन July 2023. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल. यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, और इन्हें जुलाई 2023 में ऑर्डर ऑफ द ईगल अवार्ड से नवाजा गया है. पोलैंड की जानिब से इनको ये अवार्ड दिया गया है. हु इज़ द फर्स्ट स्पेशलिस्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप्स टू बी अवार्डेड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2022. सो इसका करेक्ट आंसर सैम करन है. सैम करन इसका करेक्ट आंसर है. हु वॉज द वुमेन हु स्पार्क द प्रोटेस्ट इन ईरान. सो इसका करेक्ट आंसर मासा अमीनी है. मासा अमीनी को 2022 में कत्ल किया गया है इसमें ईरान में, और इसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर ईरान में एहतजाज हुए थे. हु वन फ्रांस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 2022. सो 2022 में जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी फ्रांस की, वो एलिजाबेथ बोर्न बनी थी, जिसका हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन 2022 में एमैनुअल मैक्रन जो है वो फ्रांस के प्रेसिडेंट बने थे, सदर बने थे, वो वज़ीर आज़म खातून बनी थी. Who has been elected as first tribal women president of India? So इसका करेक्ट आंसर द्रौपदी मुर्मू है. द्रौपदी मुर्मू जो है ये करंट इंडिया की प्रेसिडेंट हैं जब ये वीडियो बनाई जा रही है, और ये फर्स्ट ट्राइबल वीमेन प्रेसिडेंट हैं, और इनकी अपॉइंटमेंट 2022 में हुई है. हाउ मैनी टोटल मेडल्स वन बाई पाकिस्तान इन कामनवेल्थ गेम्स 2022. 2022 में जो कामनवेल्थ गेम्स हुए हैं इसमें पाकिस्तान ने 8 मेडल्स जीते, जिसमें 2 सिल्वर मेडल, 2 गोल्ड मेडल्स और 3 जो है सिल्वर मेडल्स, 3 ब्रॉन्ज मेडल. टोटल 8 मेडल्स पाकिस्तान ने विन किए हैं. विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 हेल्ड इन विच कंट्री. सो इसका करेक्ट आंसर चाइना है. 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स गेम्स हुए हैं ये चाइना में मुनक्द किए गए. 91 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और अगली मरतबा जो अभी विंटर ओलंपिक्स होंगे ये पेरिस में 2024 में, पेरिस यानी कि फ्रांस में मुनक्द किए जाएंगे. Who has been confirmed new World Bank President? So इसका करेक्ट आंसर अजय बांगा है. अजय बांगा जो हैं इनको नॉमिनेट US के प्रेजिडेंट जो बाइडन ने किया था, और इनकी कन्फर्मेशन मई में हुई थी, और ये अपॉइंट जो है इन्होंने चार्ज संभाला था June 2023 में वर्ल्ड बैंक एज प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक. When did Queen Elizabeth II die? So इसका करेक्ट आंसर 8 सितंबर 2022 है.
8 सितंबर 2022 को मलकाए दोयम जो है मलका एलिजबेथ दोयम का इंतकाल हो गया था, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क थी यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया की, और ये 96 बरस की एज में स्कॉटलैंड में ओल्ड एज की वजह से इंतकाल कर गई थी। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? सो इसका करेक्ट आंसर आर्टिकल 95 है। पाकिस्तान की जो 1973 की जो आर्टिकल्स हैं उसमें टोटल 270 आर्टिकल्स हैं, इसमें 270 में से आर्टिकल 95 जो है ये डील करता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एंड इमरान खान इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हु हैज़ बीन रिमूव्ड थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ब्लड बॉलीवुड सिंगर लता मंगेशकर का इंतकाल 6 फरवरी 2022 को 92 बरस की एज में हुआ। इन्हें नाइट एंजल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। विच कंट्री वन द मोस्ट मेडल्स इन बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? सो पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 8 मेडल्स विन किए, लेकिन सबसे ज़्यादा मेडल्स ऑस्ट्रेलिया ने विन किए। ऑस्ट्रेलिया ने 67 गोल्ड मेडल्स, 57 सिल्वर मेडल्स, 54 ब्रॉन्ज मेडल्स और 178 मेडल्स ऑस्ट्रेलिया ने विन किए थे। पाकिस्तान ने 8 मेडल्स विन किए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो ये 22वां एडिशन था, और ये कतर ने इसको होस्ट किया। इसके बाल और इसकी सिक्योरिटी दोनों पाकिस्तान ने प्रोवाइड किए। विनर इसमें अर्जेंटीना, रनर अप इसमें फ्रांस था। रनर अप उसे कहते हैं जो फाइनल में आकर हार जाए। टोटल इसमें 172 गोल्स स्कोर किए गए, और इसके साथ साथ जो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है वो लियोनेल मेसी को मिला था। फीफा की अगर हम बात करें तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, और इसमें 32 टीमें होती हैं। सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप ब्राज़ील ने विन किया है, और फीफा वर्ल्ड कप जो है ये 4 सालों के बाद मुनक्किद किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पाकिस्तानी इंडक्टेड इन आईसीसी हॉल ऑफ फेम इन नवंबर 2022? नवंबर 2022 में जो है वो अब्दुल कादिर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। ये स्पिन लेजेंड थे पाकिस्तान के, और ये 2019 में इंतकाल कर गए। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो ये 8वां एडिशन था। इसको होस्ट ऑस्ट्रेलिया ने किया था, और इसमें विनर जो है वो इंग्लैंड है, पाकिस्तान इसका रनर अप है। और इंग्लैंड ने 5 विकेटों से शिकस्त देकर जो है 5 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त देकर ये विन किया था आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। विच कंट्री रिलीज्ड फर्स्ट फीचर फिल्म शॉट इन स्पेस? इसका करेक्ट आंसर रशिया है। रशिया ने वर्ल्ड कप पहला जो है फीचर फिल्म शूट किया है स्पेस में। और आपसे ये क्वेश्चन है कि इस मूवी का, इस फिल्म का नाम क्या था, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022? सो इसका करेक्ट आंसर 99 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में पाकिस्तान की रैंकिंग 99 है। और हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ बीन रिमूव्ड थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान पहले वज़ीर आज़म थे जिन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वोट के ज़रिए यानी कि अदम एतमाद का जो वोट होता है उसके ज़रिए रिमूव कर दिया गया है, हटाया गया है। और इसके अलावा पहली मरतबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया था 1989 में, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब नहीं हुआ था। दूसरी मरतबा 2006 में शौकत अजीज के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया था, वो भी प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी कामयाब नहीं हुए। थर्ड मरतबा इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया था 2022 में, और इन्हें जो है रिमूव कर दिया गया है। वैन डेरन सेमी रिसीव्ड सितारा पाकिस्तान? डेरन सेमी को जो है सितारा पाकिस्तान मिला है 30 मई 2022 को, और ये क्रिकेटर हैं जो कि वेस्ट इंडीज से ताल्लुक़ रखते हैं। नेम द पाकिस्तानी प्लेयर हु वन फर्स्ट गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2022? सो इसका करेक्ट आंसर नूह दस्तगीर भट्ट है। नूह दस्तगीर भट्ट जो हैं ये पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल यानी कि सोने का तमगा जीता। जेब्रिल बोरिक हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो इसका करेक्ट आंसर चाइल है। जेब्रिल बोरिक जो है ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट यानी कि सबसे कम उम्र सदर बन गए हैं चिली के, और इनकी अपॉइंटमेंट 2022 में हुई थी। 36 वर्ष की एज में ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं चिली के। और अगर हम बात करें आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 की, जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको इंग्लैंड विनर और पाकिस्तान जिसका रनर अप था वो मर्दों की कैटेगरी में था,
अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये ख़वातीन की कैटेगरी में है। इसका जो विनर था वो ऑस्ट्रेलिया था, रनर जो है इसमें था वो इंग्लैंड था, और इंग्लैंड को 71 रन से इन्होंने शिकस्त दी, और ये न्यूजीलैंड में मुनक्किद किया गया था। हु क्लिंच्ड अ डील टू बाय ट्विटर फॉर $44 बिलियन इन 2022। सो इसका करेक्ट आंसर एलन मस्क है। एलन मस्क ने 2022 का सबसे बड़ा माहदा किया $44 बिलियन का, और इन्होंने ट्विटर को जो है वो ख़रीद लिया है, और ये जो डील है ये 25 अप्रैल को साइन हुआ था। एलन मस्क जो है वो CEO है स्पेस एक्स के, जो कि अमेरिकन जो है कंपनी है, और इसके साथ साथ ट्विटर की बात करें तो ट्विटर को 2006 में लॉन्च किया गया था। विच कंट्री रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट कोविड केसेस ऑन 12 मई 2022। सो इसका करेक्ट आंसर नॉर्थ कोरिया है। कोविड 19 का तो आगाज़ 2019 से ही हो चुका था, लेकिन 12 मई 2022 को कोविड का पहला केस नॉर्थ कोरिया में जो है वो देखने को मिला था। 12 मई 2022 को फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो ये 2022 में इसका 8वां एडिशन हुआ था, और ये जो है मर्दों की कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया ने विन किया था। इंग्लैंड ने विन किया था, ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था, रनर अप इसका पाकिस्तान था। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो ये आप डिटेल में जो है वो PDF दिया हुआ है, डिटेल में आगे जाकर आप इसको देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन विच सिटी वाज फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अटैक। सो इसका करेक्ट आंसर वज़ीराबाद है। वज़ीराबाद में फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर 3 नवंबर 2022 को अटैक हुआ था। वैन TV होस्ट एंड MNA आमिर लियाकत पास्ड अवे। आमिर लियाकत 9 जून 2022 को इंतकाल कर गए कराची में। सो ये MNA भी रह चुके थे और TV होस्ट भी थे। पाकिस्तान के साबिक सदर रफीक तारड जो है ये 7 मार्च 2022 को 92 बरस की एज में इंतकाल कर गए, और ये 9th प्रेसिडेंट रह चुके थे पाकिस्तान के 1998 से लेकर 2001 के दौरान। फार्मर इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक का इंतकाल 23 फरवरी 2022 को 70 बरस की एज में हुआ था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे और ये पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके थे 2008 से लेकर 2013 तक। विच कंट्री हैज़ वन डेविस कप टाइटल 2022। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कैनेडा है। डेविस कप टाइटल 2022 को कैनेडा ने विन किया, ये 110वां एडिशन था। स्पेन ने इसको होस्ट किया था, रनर अप इसमें ऑस्ट्रेलिया रहा है, और ये कैनेडा ने फर्स्ट टाइम विन किया था। हु बिकम्स फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रीच 500 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। सो इसका करेक्ट आंसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड के पहले इंसान बन गए हैं जिन्हें इंस्टाग्राम पर 500 मिलियन फॉलोअर्स जो है वो गेन कर लिए हैं नवंबर 2022 में, और ये जो है फुटबॉलर हैं जो कि पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखते हैं। हु बिकम द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू अपियर ऑन US करेंसी। सो इसका करेक्ट आंसर एना मे वोंग है। एना मे वोंग की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट चाइनीज अमेरिकन हॉलीवुड स्टार थी, और इनका इंतकाल 1961 में हुआ था, और ये फर्स्ट एशियन अमेरिकन यानी कि एशिया से ताल्लुक़ रखने वाली अमेरिकन बन गई हैं, जो US की जो करेंसी है, अमेरिका की करेंसी है, उस पर इनकी जो है पिक्चर लगाई गई है। ये आप देख सकते हैं, ये US की करेंसी है, और ये एना मे डोंग की इसमें पिक्चर है। सो एना मे वोंग जो है इसका करेक्ट आंसर है। हु बिकम्स फर्स्ट मैन प्लेयर टू स्कोर इन 5 FIFA वर्ल्ड कप। सो इसका करेक्ट आंसर भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले जो हैं वो प्लेयर बन गए हैं जो जिन्होंने 5 मरतबा फीफा वर्ल्ड कप्स खेले हैं, और 5 मरतबा जो है उन्होंने 5 मरतबा खेला है और अपने मुल्क की नुमाइंदगी की है पुर्तगाल की। पहली मरतबा इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था 2006 में, दूसरी मरतबा 2010 में, तीसरी मरतबा 2014 में, और आखिरी मरतबा 5वीं मरतबा जो है इन्होंने 2022 में, और चौथी मरतबा 2018 में। 2018 में भी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था जिसका जो विनर था वो फ्रांस था। नेक्स्ट है विच, और ये फीफा वर्ल्ड कप 2018 में उस वक्त हुआ था जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हो रहे थे, यानी कि जुलाई के मंथ में। विच इज़ दी वेल्थीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया का अमीर तरीन शहर जो है ये न्यूयॉर्क है, और ये वर्ल्ड का वर्ल्ड वेल्थीएस्ट सिटीज़ इंडेक्स 2023 की रैंकिंग है, और इसको हैनले एंड पार्टनर्स ने रिलीज़ किया है। टॉपर इसमें न्यूयॉर्क है जो कि US का सिटी है, सेकंड पर जापान टोक्यो है।
टोक्यो जो कि जापान का सबसे बड़ा शहर है दुनिया में, अमीर तरीन लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं, दूसरे नंबर पर टोक्यो में रहते हैं, ये इस रैंकिंग में बताया गया है। विच कंट्री इज़ प्लानिंग टू बैन इंग्लिश वर्ड्स, इसका करेक्ट आंसर इटली है। इटली जो है बहुत जल्द पाबंदी आयद करने वाला है इंग्लिश वर्ड्स पर, इंग्लिश के अल्फाजों पर। रजब तैयब अर्दोगान जो हैं ये तुर्किया के सदर इलेक्ट हो गए हैं और इनके इलेक्शन हुए हैं मई 2023 में और इन्होंने विन कर लिया है सदारती इलेक्शन। करंट जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए की वो कमला हारिस हैं। करंट जो प्रेसिडेंट हैं वो जो बाइडन हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं ये कमला हारिस हैं। करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, बरतानिया के, ये ऋषि सुनाक हैं। ऋषि सुनाक इसका करेक्ट आंसर है। करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, ये फुमियो किशिदा हैं। इन फिस्कल ईयर 2022-23 पाकिस्तान रिसीव रिमिटेंसेस अमाउंटिंग टू, सो इसका करेक्ट आंसर 27 बिलियन US डॉलर है। पाकिस्तान ने माली साल 2022-23 में 27 बिलियन US डॉलर्स रिमिटेंस वसूल किए हैं, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान ग्रू बाय ओनली डैश इन फिस्कल ईयर 2022-23 माली साल 2022-23 में पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेंटर है सेक्टर जो है ये 1.5% जो है ये इसने ग्रोथ किया है, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। यूएन का जो COP26 हुआ था 2021 में ये ग्लासगो में, 2022 में शर्मुल शेख इजिप्ट में, 2023 में दुबई में यूएई में मुनक्किद किया गया। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड फतेह 2 मिसाइल ऑफ पाकिस्तान, सो इसका करेक्ट आंसर 400 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने रिसेंटली जो है फतेह 2 जो है एक मिसाइल है उसको लॉन्च किया है दिसंबर 2023 में और इसका जो हदफ है वो 400 किलोमीटर तक है। करंट न्यू जो प्रेसिडेंट बने हैं इजिप्ट के, मिस्र के, ये अब्दुल फताह अल सीसी हैं और ये तीसरी मर्तबा बने हैं और ये 6 सालों के लिए बने हैं, अभी दिसंबर में ये बने हैं और फर्स्ट टाइम ये 2014 में इलेक्ट हुए थे, अब जो है ये तीसरी मर्तबा इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द चैंपियन ऑफ मैंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2023, सो इसका करेक्ट आंसर जर्मनी है। जर्मनी ने 7वीं मर्तबा जूनियर वर्ल्ड कप जो हुआ है मर्दों की कैटेगरी में हॉकी का वो विन किया है, ये 13th एडिशन था, कुआलालंपुर मलेशिया में इसको मुनक्किद किया गया। रग्बी मैंस वर्ल्ड कप 2023 जो है ये साउथ अफ्रीका ने विन किया है, 10वां ये एडिशन था और इसको होस्ट जो है फ्रांस ने किया, विनर इसमें साउथ अफ्रीका और रनर अप इसमें न्यूजीलैंड था, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। करंट जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद के वो जस्टिस आमिर फारूक हैं, 2022 में ये बने थे। करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की ये अनवर उल हक काकड़ हैं जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, अगस्त 2023 में ये बने हैं। जमायत इस्लामी जो कि पोलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में, इसकी जो सिंबल है पॉलिटिकल जो सिंबल है 2024 के इलेक्शन में वो स्केल है और अमीर जमायत इस्लामी जो हैं वो सिराजुल हक हैं। करंट जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं पाकिस्तान के ये सैयद आसिम मुनीर हैं और ये 2022 में बने थे, कमर जावेद बाजवा को इन्होंने रिप्लेस किया था। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 की जो रिपोर्ट है इसको स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, दूसरे नंबर पर लग्जमबर्ग है। मैंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2023 को जर्मनी ने विन किया है और इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है पाकिस्तान की ये एडमिरल नवीद अशरफ हैं, एडमिरल नवीद अशरफ और इनकी अपॉइंटमेंट अक्टूबर 2023 में हुई है। फर्स्ट वुमेन सीटीओ कौन बनी है लाहौर की, सो सीटीओ का फुल फॉर्म है चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, सो इसका करेक्ट आंसर अमारा अतर है। अमारा अतर लाहौर की पहली खातून सीटीओ बन गई हैं, पहली खातून सीटीओ बन गई हैं। विच कंट्री फ्रॉम एशिया पैसिफिक ग्रुप इलेक्टेड एज वाइस चेयर ऑफ यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर द टर्म 2023-25, सो इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान है। पाकिस्तान को यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 2023-2025 के लिए वाइस चेयर मुंतखब किया है। वर्ल्ड इंटरनेट डेवलपमेंट इंडेक्स को यूएसए ने टॉप किया है, टोटल इसमें 52 कंट्रीज थे, पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना और पाकिस्तान की रैंक सिर्फ 45 है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC जो है पाकिस्तान के वो सिकंदर सुल्तान राजा हैं और 2020 में ये बने थे, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CJCSC वो जो है पाकिस्तान के मौजूदा वो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं और ये 2022 में बने थे, नदीम रजा को इन्होंने रिप्लेस किया था। जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं
ये 29वें चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, और ये क्वेटा में पैदा हुए थे और सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे 2014 में, और 17 सितंबर 2023 को ये 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। इन्होंने उमर अता बंदयाल को रिप्लेस किया और ये 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। पाकिस्तान हुआ द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान मैंस टीम इन द 30th क्रिकेट ODI वर्ल्ड कप 2023। सो 13वां जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है ODI वर्ल्ड कप क्रिकेट का मर्दों की कैटेगरी में, इसमें पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम थे और ये इंडिया ने इसको होस्ट किया और रनर अप भी इसमें इंडिया रहा है और 10 टीमों ने इसमें शिरकत किया, 48 मैच इसमें खेले गए और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को जो है वो शिकस्त देकर ये विन कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने छठी मरतबा ये विन किया है। पाकिस्तान ने पहली मरतबा ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 में विन किया था। इंडिया 2 मरतबा इसको विन कर चुका, ऑस्ट्रेलिया 6 मरतबा इसको विन कर चुका है। हु हैज़ बीन नेम टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। सो इसका करेक्ट आंसर टेलर स्विफ्ट है। टेलर स्विफ्ट जो है ये अमेरिकन सिंगर हैं और इन्हें टाइम्स मैगजीन की जानिब से पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड से नवाजा गया है। 2022 की बात करें तो 2022 में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनको ये पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से नवाजा गया था। इंडिया हैज़ बिकम डैश नेशन टू लैंड अ क्राफ्ट नियर द मून साउथ पोल। सो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है। इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया है जो कि मून के साउथ पोल पर पहुंचा है और इन्होंने चंद्रयान 3 मशीन को आगाज़ किया था जुलाई में और ये 23 अगस्त 2023 की शाम को इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बन गया है जो कि मून की साउथ पोल पर पहुंच गया है। करंट जो प्रेसिडेंट हैं अमीर कोवैत वो शेख मिशाल हैं और नवाफ अल अहमद अल जबार अल सबा वो इनकी जगह पर हुआ करते थे अमीर कोवैत और इनकी इंतकाल हो गया रिसेंटली, अब जो है दिसंबर में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है और ये शेख मिशाल जो है अमीर कोवैत है। नेम द फर्स्ट पाकिस्तानी कपल टू समिट वर्ल्ड 8th हाईएस्ट पीक मनासलू। इसका करेक्ट आंसर अहमद उजैर एंड अनम उजैर है। अहमद उजैर और अनम उजैर सितंबर 2023 में फर्स्ट पाकिस्तानी कपल बन गई है जो कि मनासलू को जिन्होंने सर किया। मनासलू जो है वर्ल्ड का 8वां हाईएस्ट पीक है जो कि नेपाल में लोकेटेड है और ये लाहौर से ताल्लुक रखते हैं। हु हैज़ बिकम द फुटबॉल प्लेयर विद द मोस्ट गोल्स थ्रो हेडर्स। इसका करेक्ट आंसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये पहले फुटबॉलर बन गए हैं जो पाँव के बजाय सर का इस्तेमाल करके जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्स स्कोर किए हैं। सो ये पुर्तगाल से ताल्लुक रखते हैं। इन विच केस खालिद खुर्शीद वाज रिसेंटली डिस्क्वालिफाइड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। सो इसका करेक्ट आंसर फेक डिग्री है। फेक डिग्री केस में जाली डिग्री केस में खालिद खुर्शीद को एज रिमूव कर दिया गया है एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और ये 2020 में बने थे गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला बने थे और ये PTI से ताल्लुक़ रखते हैं और इनको गिलगित बल्तिस्तान की चीफ कोर्ट ने नाहल करार दिया है फेक डिग्री केस में जाली डिग्री केस में। हेनरी किसिंजर वाज द एक्स डिप्लोमेट ऑफ विच कंट्री हु हैज़ रिसेंटली डाइड। सो इसका करेक्ट आंसर USA है। हेनरी किसिंजर जो थे ये साबका डिप्लोमेट थे USA के जो कि नवंबर 2023 में 100 बरस की एज में इंतकाल कर गए हैं। विच पाकिस्तानी ऑफिसर वन इंटरनेशनल वेमेन पुलिस अवार्ड इन न्यूजीलैंड। सो इसका करेक्ट आंसर सोनिया शमरोज है। सोनिया शमरोज जो हैं ये पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर हैं और इन्होंने इंटरनेशनल वुमेन पुलिस अवार्ड इन्हें दिया गया है न्यूजीलैंड में 2023 में। हु बिकेम द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम ट्रू समिट ऑफ मनासलू। इसका करेक्ट आंसर शेरोज काशिफ है। शेरोज काशिफ सितंबर 2023 में यंगेस्ट पाकिस्तानी बन गए हैं जिन्होंने मनासलू को सर किया है, मनासलू जो कि नेपाल में लोकेटेड है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन SSP ऑफ बलूचिस्तान पुलिस। इसका करेक्ट आंसर फरियाल फरीद है। फरियाल फरीद जो है ये पहली पाकिस्तानी ये जो है पहली SSP हैं खातून SSP हैं जो कि बलूचिस्तान प्रोविंस में इन्हें तैनात किया गया है जाफराबाद में। करंट जो चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के ये अली मर्दान डोमकी हैं और अगस्त में ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है और इन्होंने अब्दुल कुदूस बजिंजे को रिप्लेस किया था। जवेर मिल जो है ये रिसेंटली अर्जेंटीना के सदर बन चुके हैं। अर्जेंटीना इसका करेक्ट आंसर है। मिस यूनिवर्स 2023 शेनिस पैलेशियस ये किस मुल्क से ताल्लुक़ रखती है, ये निकारागुआ से ताल्लुक़ रखती है और इन्हें 2023 का मिस यूनिवर्स टाइटल दिया गया है। इनका नाम शेनिस पैलेशियस है और ये निकारागुआ से ताल्लुक़ रखती है। निकारागुआ जो है एक कंट्री है जो कि सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड है।
चीफ जस्टिस जो हैं पिशावर हाई कोर्ट के मोहम्मद इब्राहिम खान हैं और ये 2023 में बने हैं। एशियन जूनियर स्कॉश अंडर 13 टाइटल 2023 को पाकिस्तान ने विन किया है और इस ये चाइना में इसको मुनाकिद किया गया था, पाकिस्तान इसमें विनर है। हु हैज़ बिकम फर्स्ट प्लेयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट टू बी टाइम्ड आउट, सो इसका करेक्ट आंसर एनजीओ मैथिव्स है। एनजीओ मैथिव्स जो हैं ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और ये फर्स्ट क्रिकेटर बन गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में जिनको टाइम आउट कर दिया गया है। हु वन द मैंस बैलन डी और 2023 अवार्ड, सो इसका करेक्ट आंसर लियोनेल मेसी है। लियोनेल मेसी जो है मुसलसल जो है ये जो है आठवीं मरतबा इन्होंने बैलन डी ओ आर 2023 का अवार्ड विन किया है। इस पहले जो है ये सात मरतबा ये विन कर चुके थे। विच अमंग द फॉलोइंग क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बाजोट बमिंग हैपन इन जुलाई 2023, सो इसका करेक्ट आंसर इस्लामिक स्टेट खुरासान है। इस्लामिक स्टेट खुरासान ने जो है ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है बाजोट बम धमाके की जो कि जुलाई 2023 में हुआ था और ये पॉलिटिकल गैदरिंग पर हुआ था। इसमें 50 से ज़्यादा लोग शहीद हुए और 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। नोबेल प्राइज़ इकनॉमिक्स में 2023 में क्लाडियो गोल्डन को दिया गया था और ये 2023 ये जो है यूएस से ताल्लुक रखती हैं। नोबेल प्राइज़ दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ है और ये हर साल 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। 2023 में इकनॉमिक्स में क्लाडिया गोल्डन को दिया गया है। 2022 में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था इकनॉमिक्स में ये तीन लोगों को दिया गया था, बेन एस बर्नाकी, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डब्ल्यू, और ये तीनों यूएस से ताल्लुक रखते हैं। जुलाई 2023 में पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान ने साइन किया एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट और इसका जो मकसद है वो है 573 किलोमीटर जो है रेलवे लिंक को बनाना और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में रेलवे मिनिस्ट्री ने इसमें कुछ जो है वो आगाज़ किया। G20 का जो समिट हुआ है 2023 में इसको इंडिया ने होस्ट किया है और अब जो है G20 का नाम G21 रखा गया है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन इसका मेंबर बन गया है। हु बिकेम फर्स्ट क्रिकेटर टू टेक 4 विकेट्स इन फर्स्ट इनिंग्स ऑफ फर्स्ट ओवर ऑफ इनिंग्स, सो शाहीन शाह अफरीदी इसका करेक्ट आंसर है। विच पाकिस्तानी स्कूल वन 2023 यूनेस्को प्राइज फॉर गर्ल्स एंड वीमेंस एजुकेशन, सो इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन है। ये इस्लामाबाद में लोकेटेड एक स्कूल है और इसे 2023 में यूनेस्को का प्राइज फॉर गर्ल्स एंड वुमेंस एजुकेशन का अवार्ड दिया गया है। फर्स्ट एशियन गेम्स जो है ये 1951 में न्यू दिल्ली इंडिया में मुनक्किद किए गए थे। एशियन गेम्स हर 4 साल के बाद मुनक्किद किए जाते हैं। 2018 में एशियन गेम्स जो है 18वां एडिशन था, इंडोनेशिया में इसको होस्ट किया गया था। एशियन गेम्स 2023 की बात करें तो ये 2022 में होने थे लेकिन कोविड की वजह से ये 2022 में नहीं हुए, 23 में मुनक्किद किए गए। ये 19वां एडिशन था, हांगजू चाइना में इसको मुनक्किद किया गया। और इसके साथ साथ नेशनल डे ऑफ माइनॉरिटीज, पाकिस्तान में अकलियतों का जो आलमी दिन है, कौमी जो दिन है वो 11 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, बच्चों का आलमी दिन 20 नवंबर को मनाया जाता है। करंट जो चीफ मिनिस्टर हैं सिंध प्रोविंस के वो मकबूल बाकर हैं, अली मर्दान डोंकी बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं और इसके साथ साथ जो पंजाब के मोहसिन नकवी जो हैं वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। अबाबील मिज़ाइल वेपन को पाकिस्तान ने रिसेंटली जो है वो आगाज़ किया है, इसका कामयाब तजर्बा किया है। पाकिस्तान की रैंक न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स 2023 में 19वां है और टोटल इसमें 22 कंट्रीज़ थे, टॉपर इसमें ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की रैंक 19 है। पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने पर 75 रुपये का नोट जारी किया है, सो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 75 साल हो गए हैं, जुलाई 2023 में इन्होंने अनवील किया। 4 अप्रैल 2023 को जो है फिनलैंड 31वां मेंबर बना है नेटो का। नेटो की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में इसको बनाया गया था, 12 इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, 31 अब जो करंट इसके मेंबर हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन ओडीआई क्रिकेट, सो इसका करेक्ट आंसर शाहीन अफरीदी है। शाहीन अफरीदी जो हैं ये फास्टेस्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 100 विकेट्स लिए हैं ओडीआई क्रिकेट में। एज ऑफ 2023 हु इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल चीफ, सो इसका करेक्ट आंसर शेख हसीना है। शेख हसीना जो है 2023 के मुताबिक लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल चीफ बन गई हैं। ये बांग्लादेश की ये प्राइम मिनिस्टर हैं और शेख जो थे अपने मुजीबुर रहमान उसकी उनकी ये बेटी हैं।
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? सो इसका करेक्ट आंसर 150 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो 150 है। टॉपर इसमें नॉर्वे रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड फिफ्थ चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान और फॉरेन मिनिस्टर्स डायलॉग्स? इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मई 2023 में फिफ्थ चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर्स डायलॉग मुनक्किद किए गए हैं। विच कंट्री वन मोस्ट मेडल्स इन एशियन गेम्स 2023? एशियन गेम्स जो कि 19वां एडिशन हुआ है हांगजू चाइना में 2023 में, इसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स चाइना ने ही विन किए हैं, यानी कि होस्ट भी चाइना ने किए और सबसे ज़्यादा मेडल्स भी चाइना ने विन किए, और चाइना ने 383 मेडल्स इसमें विन किए। मास्कट जो था एशियन गेम्स 2023 का वो था चंगचन कोंकन एंड लियान लियान, ये इनका था। अब 2026 में जो एशियन गेम्स होंगे ये जापान में मुनक्किद किए जाएंगे, 20वां एडिशन होगा। 2030 में जो एशियन गेम्स होंगे ये कतर में मुनक्किद किए जाएंगे जो कि 21वां एडिशन होगा। 2034 में जो एशियन गेम्स होंगे ये सऊदी अरब में मुनक्किद किए जाएंगे जो कि 22वां एडिशन होगा। स्पेशल ओलंपिक्स जो कि जून 2023 में हुए हैं, इसमें पाकिस्तान ने 80 जो है मेडल्स विन किए हैं, 80 गोल्ड नहीं 80 सिर्फ मेडल्स विन किए हैं, 80 गोल्ड मेडल्स नहीं विन किए, 80 टोटल मेडल्स विन किए। और ये स्पेशल ओलंपिक्स जो जून 2023 में हुए हैं ये जर्मनी ने इसको होस्ट किया था फर्स्ट टाइम। पाकिस्तान ने 11 गोल्ड मेडल्स और 29 जो हैं सिल्वर मेडल्स, 40 ब्रॉन्ज मेडल्स विन किए, टोटल 80 मेडल्स विन किए। एज पर 2023 हु हैज़ बिकम द फर्स्ट विमेन टू एमएस अ 100 बिलियन यूएस डॉलर फॉर्चून? सो इसका करेक्ट आंसर फ्रांकोस बेटरकॉट मेयर्स हैं। ये 2023 की पहली खातून बन गई हैं जिन्होंने 100 यूएस बिलियन डॉलर की दौलत कमा ली है, और ये फ्रांस से ये खातून ताल्लुक़ रखती है। सो 2023 की अमीर तरीन खातून ये है। मर्दों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अमीर तरीन मर्द है वो एलन मस्क है जो कि यूएस से ताल्लुक़ रखता है, और औरतों में ये खातून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर 2023 सेंसस व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान? 2023 में पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन बताई गई है वो 241 मिलियन है। 5 अगस्त को ये रैंकिंग रिलीज़ किया गया था, ये सेंसस मरदमशुमारी। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 2.55% है। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 24 करोड़ 15 लाख के करीब है। पंजाब की पॉपुलेशन जो है 127 मिलियन है। पंजाब का जो ग्रोथ रेट है वो 2.53% है। सिंध की पॉपुलेशन 56 मिलियन है और सिंध का जो ग्रोथ रेट है वो 2.57% है। बलूचिस्तान का पॉपुलेशन 14 करीब 15 मिलियन है, और इसके साथ साथ बलूचिस्तान का ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है 3.2% है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है पाकिस्तान में वो बलूचिस्तान में है। पॉपुलेशन सबसे कम बलूचिस्तान में है, ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में है। केपीके की पॉपुलेशन करीब 41 मिलियन है और केपीके का जो ग्रोथ रेट है वो 2.38% है। इस्लामाबाद की पॉपुलेशन जो है करीब 24 लाख बताई गई है और इसका जो ग्रोथ रेट है वो 2.81% है। पाकिस्तान में रूरल पॉपुलेशन जो देहातों में रहते हैं वो 61% है, जो शहरों में रहते हैं वो 39% है। 2017 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान में 33 मिलियन पॉपुलेशन का इजाफा हुआ है। 1998 से लेकर 2023 तक 25 सालों में पाकिस्तान में 110 मिलियन पॉपुलेशन का इजाफा हुआ है। नवंबर 2023 में पाकिस्तान ने ब्रिक्स को ऑफिशियली ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर दिया है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अभी रिसेंटली 2024 में जो हैं ब्रिक्स के जो हैं 10 मेंबर बन चुके हैं, इसमें इजिप्ट भी है और सऊदी अरब भी है, यूएई भी है, इथोपिया भी है, अब इसके 10 मेंबर बन चुके हैं, और इसको जून 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। COP28 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी अनवारुल हक काकर ने की है। WHO हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड विच डिज़ीज़ एज ग्लोबल हेल्थ थ्रेट? सो इसका करेक्ट आंसर लोनलीनेस है। लोनलीनेस यानी कि तन्हाईपन को WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल हेल्थ थ्रेट डिक्लेयर कर दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान टू रिसीव आर्टिफिशियल रेन? सो इसका करेक्ट आंसर लाहौर है। लाहौर पाकिस्तान का पहला सिटी है जिसमें आर्टिफिशियल रेन मसनू बारिश
किया गया है विद द कोलेबोरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के तआवुन से। विच क्रिकेटर हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड ऑनरी रैंक ऑफ डीएसपी इन पंजाब पुलिस। इसका क्रिकेटर शादाब खान है। शादाब खान पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं और इन्हें रिसेंटली जो है एजाजी रैंक दिया गया है डीएसपी का पंजाब पुलिस में। विच फुटबॉलर मेड मोस्ट गोल्स इन 2023। सो इसका क्रिकेटर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं ये फुटबॉल प्लेयर हैं और इन्होंने साल 2023 में सबसे ज़्यादा गोल्स स्कोर किए, 53 गोल्स इन्होंने स्कोर किए। पुर्तगाल से ये ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान में करंट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.5% है और इसके साथ साथ करंट जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट है यानी कि शराय जो सूद जो है वो 22% है और इसके साथ साथ पीपीपी ने सबसे ज़्यादा जो है वो मेयर कराची के इलेक्शन विन किए हैं और ये जमात इस्लामी को इन्होंने शिकस्त दिया था। जून 2023 में ये इलेक्शन हुए थे और विनर इसमें मुर्तज़ा वहाब रहे, पीपीपी भी से ताल्लुक़ रखते हैं ये, और सेकंड नंबर पर नईम उर रहमान रहे जो कि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं। करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्पेन के ये पेड्रो सेंचेज़ हैं। पेड्रो सेंचेज़ ये जून 2018 से लेकर अब तक जो है करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन है। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वेमेन इन इस्लामिक बिजनेस एंड फाइनेंस 2023 का अवार्ड डॉक्टर शमशाद अख्तर को दिया गया है। ये पाकिस्तान की केयर टेकर मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हैं। ली कियांग वाज फार्मर पीएम ऑफ विच कंट्री हु हैज रिसेंटली डाइड। सो इसका क्रिकेट आंसर चाइना है। चाइना के ये साबिक वजीर आजम थे और ये 2023 में हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गए। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप 2023 को इंडिया ने विन किया है। रनर अप इसमें कुवैत रहा है। टेंशंस बिटवीन कैनेडा एंड इंडिया इंक्रीज्ड आफ्टर द अलीज्ड किलिंग ऑफ विच सिख लीडर। सो इसका क्रिकेट आंसर हरदीप सिंह निजर है। हरदीप सिंह निजर को जो है रिसेंटली कैनेडा में कत्ल किया गया है और कैनेडा ने कहा है कि इनको इसको जो कत्ल है इंडियन एजेंसीज ने किया है और ये जो है खालिस्तान मूवमेंट के सेपरेटिस्ट लीडर थे। नेशनल वोटर्स डे पाकिस्तान में 7 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा 7 दिसंबर को इलेक्शन हुए थे 1970 में। पाकिस्तान होस्टेड हाउ मेनी टोटल मैचेस ऑफ मेंस क्रिकेट एशिया कप 2023। सो इसका करेक्ट आंसर 4 है। पाकिस्तान ने 4 मैचेस जो हैं होस्ट किए एशिया कप 2023 के और इसमें जो है 9 मैचेस श्रीलंका ने होस्ट किए, 4 मैचेस पाकिस्तान ने होस्ट किए, टोटल 13 इसमें मैचेस खेले गए और इसमें विनर जो है वो इंडिया रहा है। फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 यानी कि जो ख्वातीन की कैटेगरी में हुआ है इसको स्पेन ने विन किया है। 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो मर्दों की कैटेगरी में हुआ था जिसको अर्जेंटीना ने विन किया था। ख्वातीन की कैटेगरी में 2023 में स्पेन ने विन किया है। रनर अप इसमें इंग्लैंड रहा है और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अप्रूव्ड 350 मिलियन यूएस डॉलर फाइनेंसिंग टू सपोर्ट फॉर पाकिस्तान। सो इसका करेक्ट आंसर वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली 35 करोड़ डॉलर पाकिस्तान के फाइनेंस के लिए, फाइनेंस को सपोर्ट करने के लिए अप्रूव कर दिए हैं। अमजद इस्लाम अमजद का 10 फरवरी 2023 को 78 बरस की एज में हार्ट अटैक की वजह से लाहौर में इंतकाल हुआ है। शहबाज शरीफ ने कितने वोट हासिल किए थे, 180 वोट्स हासिल किए थे नेशनल असम्बली से 27 अप्रैल 2023 को और इन्होंने वो एतमाद का वोट लिया था। मिर्सिया सिनेगर वाज दी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे। सो इसका करेक्ट आंसर मोल्दोवा है। मोल्दोवा के ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और ये 1940 में पैदा हुए, 2023 में इंतकाल कर गए और ये मोल्दोवा के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं 1990 से लेकर 1997 के दरमियान। नेम द विनर ऑफ मैन सिंगल्स टाइटल ऑफ द यूएस ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट। सो इसका करेक्ट आंसर नोवाक जोकोविक है। नोवाक जोकोविक जो है ये टेनिस प्लेयर हैं, सर्बिया से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने यूएस ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट जो हुआ है उसको विन किया है और जो यूएस ओपन जो होता है ये सितंबर के महीने में खेला जाता है। हु हैज़ बिकम फर्स्ट पाकिस्तानी आफ्टर 37 ईयर्स टू विन वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप। सो इसका करेक्ट आंसर हमजा खान है। हमजा खान 37 सालों के बाद पहले पाकिस्तानी बन गए हैं
जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप 2023 में विन किया है। आज गुलबर खान जो हैं ये गिलगित बल्तिस्तान के जो हैं चीफ मिनिस्टर बन गए हैं गिलगित बल्तिस्तान के। सो ये दियामर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। एसीसी मेंस इमर्जिंग एशिया कप 2023 जो है इसको पाकिस्तान ने विन किया है और इसमें रनर अप जो है वो इंडिया रहा है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, पाकिस्तान की ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में जो रैंकिंग है वो 102 है, 2022 में जो रैंकिंग थी वो 99 था, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अनवरुल हक काकड़ जो हैं ये फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने यूएनजीए को एड्रेस किया है, फर्स्ट प्राइम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान मिनरल समिट 2023 को ये इस्लामाबाद में हुआ था और ये फर्स्ट समिट था और ये अगस्त के मंथ में हुआ था। नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में 2023 में ये जॉन फोसे को दिया गया है, 2022 में नोबेल प्राइज़ लिटरेचर ये अनी अर्नाक्स को दिया गया है जो कि फ्रांस से ताल्लुक़ रखती हैं। और इसके साथ साथ सैफ अंडर 16 फुटबॉल चैम्पियनशिप 2023 को इंडिया ने विन किया है, रनर अप इसमें बांग्लादेश रहा है। नोबेल पीस प्राइज़ 2023 में नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ये ईरान से ताल्लुक़ रखती है। 2022 में नोबेल पीस प्राइज़ जो है ये तीन लोगों को दिया गया था, और एलिस ब्रेस्की जो कि बेलारूस से ताल्लुक़ रखते हैं, रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इन तीनों को 2022 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। 2023 में नोबेल पीस प्राइज़ नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। सिल्वर जुबली योम तकबीर का 28 मई 2023 को मनाया गया है। और केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ 2023 जो है ये तीन लोगों को दिया गया है, मोंगस बेवेंडी, लेवस ब्रस एंड एलेक्सी इकोमो, इन तीनों को 2023 में दिया गया है। मेडिसिन में 2023 में नोबेल प्राइज़ दो लोगों को दिया गया है, कैटालिन करेलिको और ड्रियो विस्मैन। कैटालिन जो है ये हंगरी से ताल्लुक़ रखती है और ड्रियो विस्मैन जो है यूएस से ताल्लुक़ रखता है, इन दोनों को ये दिया गया है। 2022 में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था मेडिसिन में ये सवान्ते पाबो को दिया गया था, सवान्ते पाबो को। हु बिकम द फर्स्ट वीमेन डिप्टी स्पीकर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान असम्बली, सो इसका करेक्ट आंसर सादिया दानिश है। सादिया दानिश जो है ये पहली खातून डिप्टी स्पीकर बन गई हैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ 5 फरवरी 2023 को 79 बरस की एज में दुबई में इंतकाल कर गए। 2023 में जो नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में दिया गया है ये इन तीन लोगों को दिया गया है, पेरा अगोस्टनी, फेरिक करज और एनी एलहलर, इन तीनों को नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में दिया गया है। 2022 में जो नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में दिया गया था ये तीन लोगों को दिया गया था, एलन एस्पेक्ट, एंटम ज़ेलिंगर और जॉन क्लज़र, इन तीनों को दिया गया था। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी पर्सनालिटी हुज वॉक्स फिगर हैज़ बीन अनवील्ड इन दुबई, सो इसका करेक्ट आंसर बेनज़ीर भुट्टो है। बेनज़ीर भुट्टो पहली पाकिस्तानी पर्सनालिटी हैं जिनका वॉक्स फिगर यानी कि मुजस्मा दुबई में लगाया गया है यूएई। एंटी करप्शन डे जो है ये 9 दिसंबर को, बदउनानी के खिलाफ जो है आलमी दिन 9 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटेटिवनेस रैंकिंग 2023 को यूएसए ने टॉप किया है। पहली मरतबा इंडिया जो है वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 को इंडिया ने इसको होस्ट किया है। ग्लोबल मैन ऑफ द डेकेड अवार्ड 2023 जो है ये मोहम्मद अमजद साकिब को दिया गया है और ये पाकिस्तानी फिल्म थेरेपिस्ट हैं। वर्ल्ड ग्लोबल वेमेन इंस्पिरेशन अवार्ड 2023 ये पाकिस्तानी हुमा फ़खर को दिया गया है, ये पाकिस्तानी बिजनेस वीमेन है। इंटरनेशनल इनोवेशन अवार्ड 2023 जो है ये डॉक्टर साकिब आरिफ को दिया गया है। एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप 2023 ये इंडिया ने विन किया है, रनर अप इसमें ईरान था, नॉर्थ ये जो है कोरिया में इसको मुनक्किद किया गया। ITF मेंस टेनिस वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 को नोवाक जोकोविक ने विन किया है, टेनिस प्लेयर हैं, सर्बिया से ताल्लुक़ रखते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो हम बनाते हैं, सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2023 को ये बांग्लादेश ने विन किया है, रनर अप इसमें यूएई था। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अनवर अली हैदर जो हैं ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वजारत दिफा दिफाई पैदावार और एविएशन। फीबा बास्केटबॉल 2023 वर्ल्ड कप जो हुआ है इसको पहली मर्तबा जर्मनी ने इसको विन किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, JT60SA ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है और इसको रिसेंटली यूरोपियन यूनियन और जापान ने इसको लॉन्च कर दिया है।
और विच पाकिस्तानी ऑफिसर रिसीव ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स प्रिवेंशन अवार्ड फ्रॉम यूएसए। सो इसका करेक्ट आंसर ज़हीर अहमद है। ज़हीर अहमद पाकिस्तानी जो है ये पुलिस ऑफिसर हैं और इन्हें यूएसए से ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स प्रिवेंशन अवार्ड से नवाजा गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान की रैंक 142 है। टोटल इसमें 146 कंट्री हैं। टॉपर इसमें आइसलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव्ड बिल अलोविंग डैश टू यूनिलेटरी अनाउंस इलेक्शन डेट। सो इसका करेक्ट आंसर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने एक बिल अप्रूव किया जिसमें एक तरफा यूनिलेटरी अनाउंस करें इलेक्शन डेट्स को, ये अख्तियार दिया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 को पाकिस्तान इसमें रनर अप रहा है, इंडिया इसका विनर है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान की रैंक 7वां है। टॉपर इसमें यूएसए है। चेयरमैन जो करंट हैं नैब के, ये नज़ीर अहमद भट्ट हैं। आफ्ताब अहमद को इन्होंने रिप्लेस किया था। जहांगीर तरीन ने रिसेंटली इस्तकाम पाकिस्तान नामी पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च किया है। एंड एफआईआर वाज लॉन्च्ड, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अब्दुल रज़ाक शर है। अब्दुल रज़ाक शर ये बलूचिस्तान के एक वकील थे और इनको रिसेंटली कत्ल किया गया है, मर्डर किया गया है क्वेटा में। और इनका जो एफआईआर है ये फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर दर्ज कर दिया गया है। व्हाट इज़ द टोटल आउटले ऑफ फेडरल बजट 2023-24? इसका करेक्ट आंसर 14.46 ट्रिलियन है। 144 खरब 60 अरब का बजट पेश किया गया है माली साल 2023-2024 के लिए। डिफेंस अफेयर्स के लिए फेडरल बजट 2023-2024 के लिए वो 18.09.4 बिलियन है, और यानी कि 18 खरब 4 अरब का डिफेंस जो है वो बजट पेश किया गया है। इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप जून 2023 में ये सादी अब्बास ने विन किए हैं। यंगेस्ट बॉडी बिल्डिंग जज पाकिस्तान से रमीज़ इब्राहिम बन गए हैं। किंग गांग इज़ विजिटिंग पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इसका करेक्ट आंसर चाइना है। ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं और ये फर्स्ट टाइम इन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान का विजिट किया है। हु बिकम्स फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 5000 ओडीआई रन। सो बाबर आजम फास्टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 5000 ओडीआई रन किए हैं। इमरान खान को रिसेंटली जो है वो अलकादर ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद से रेंजर्स ने अरेस्ट किया था 9 मई 2023 को। और अलकादर ट्रस्ट जो है ये उस 450 किनाल से ज़्यादा ज़मीन के अतीय से मुतालिक है जो बहरिया टाउन की जानब से अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए दी गई थी। ये 9 मई को इन्हें अरेस्ट किया गया था। बाद में 5 अगस्त को जो अरेस्ट किया गया था वो जो था वो तोशा खाना केस में अरेस्ट किया गया था। हु बिकम्स यंगेस्ट एंड क्विकेस्ट फास्ट बॉलर टू गेट 200 T20 विकेट। सो इसका करेक्ट आंसर शाहीन शाह अफरीदी है। शाहीन शाह अफरीदी यंगेस्ट एंड क्विकेस्ट फास्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 200 T20 विकेट्स हासिल किए हैं। फर्स्ट पाकिस्तानी जिन्होंने रॉयल गोल्ड आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 विन कर लिया है, यास्मीन लारी इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट पाकिस्तानी बॉक्सर जिन्होंने गोल्डन ग्लव्स चैंपियनशिप यूएस में विन किया है, जानजेब रिजवान इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट पाकिस्तानी जिन्हें ऑक्सफर्ड का प्रेस्टीजियस ऑनरी फेलोशिप दिया गया है, मलाला यूसुफ़ज़ई इसका करेक्ट आंसर है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं एजेके के वो चौधरी अनवारुल हक हैं, ये 2023 में बने हैं। विच रिलीजियस मिनिस्टर डाइड इन रोड एक्सीडेंट रिसेंटली। सो इसका करेक्ट आंसर मुफ्ती अब्दुल शकूर है। मुफ्ती अब्दुल शकूर रिलीजियस मिनिस्टर थे और ये रिसेंटली जो है रोड हादसे में इंतकाल कर गए। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान की रैंक 62 है। टॉपर इसमें यूएसए है। वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान की रैंक 86 है। टॉपर इसमें वेनेजुएला है। और हु बिकम्स फर्स्ट पाकिस्तानी वेमेन टू समिट वर्ल्ड 10th हाईएस्ट पीक माउंटेन। सो इसका करेक्ट आंसर नायला कियानी है। नायला कियानी पाकिस्तान की पहली खातून है जो कि दुनिया की 10वीं हाईएस्ट माउंटेन जिन्होंने सर कर लिया है। पाकिस्तान के पहले और वाहिद जो हैं पाकिस्तानी हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन कार्टिंग रेसिंग विन कर लिया है, ये इनाम अहमद हैं। पहले पाकिस्तानी जिन्होंने कराटे कॉम्बेट फाइट विन कर लिया है, ये शाहजेब रिंद हैं जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। फर्स्ट पाकिस्तानी या फिर वो पाकिस्तानी डॉक्टर जिन्हें यूएस में टॉप फेथ लीडर जो है वो रिकग्नाइज किया गया है, फराह अब्बासी इसका करेक्ट आंसर है। किस मुल्क ने ITF वर्ल्ड टेनिस में फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त दी? जापान ने शिकस्त दी और जापान ये विन कर गया है। जो है शर्मीन उबेद चेनाई ये फर्स्ट वुमेन हैं जो कि हॉलीवुड स्टार वार मूवीज़ को डायरेक्ट करेंगी।
और इसके अलावा टाइम्स जो है टाइम मैगजीन ने रिसेंटली 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2023 का रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तानी खातून जो हैं वो शीरी रहमान भी शामिल हैं, और इस रैंकिंग को शाहरुख खान ने टॉप किया है। पाकिस्तान में ट्विटर पर सबसे ज़्यादा इमरान खान को फॉलो किया जाता है, और सरदार तनवीर इलियास जो हैं ये फर्स्ट AJK के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें कंटेम्प ऑफ कोर्ट तोहीन अदालत की वजह से जो है वो नाअहल करार दिया गया है। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे आइन का आलमी दिन जो है ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पास टू लिमिट द पावर्स ऑफ CJP, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात को महदूद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को जो है वो मंजूर कर लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो TTP है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पिशावर में बम धमाका जो हुआ था 2023 में इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। इसमें 100 लोग शहीद हो गए और 150 लोग जो है वो ज़ख्मी हो गए। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मोहसिन रज़ा नकवी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023। सो इसका करेक्ट आंसर बिलावल भुट्टो जरदारी है। PSL 2023 जो हुआ था, 8वां ये एडिशन था और इसको लाहौर कलंदर ने विन किया। मुल्तान सुल्तान जो था इसका रनर अप था। विच लॉ ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड एनल्ड बाय लाहौर हाई कोर्ट। सो इसका करेक्ट आंसर सेडिशन लॉ है, बगावत का जो कानून है इसको रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट ने काले दम करार दिया है। DSP जो है एजाजी DSP बनाया गया है इस्लामाबाद पुलिस ने हारिस रऊफ को रिसेंटली बनाया गया है। और इसके अलावा शादाब खान जो हैं ये पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने 100 T20 इंटरनेशनल विकेट्स हासिल किए हैं। नेम द पाकिस्तानी ओरिजिन डिप्लोमेट हु बिकम्स फर्स्ट ब्रिटिश मुस्लिम टू हेड UK's डिप्लोमेटिक मिशन। सो फौजिया यूनिस इसका करेक्ट आंसर है। कवि खान जो कि पाकिस्तानी अदाकार थे 5 मार्च 2023 को इंतकाल कर गए हैं। करंट गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली काकड़ हैं। और औरत मार्च जो है 2023 में ये 6ठा एडिशन मनाया गया है, 2024 में 7वां एडिशन मनाया जाएगा। और गोल्डन जुबली जो हुआ है सेनेट का 2023 में, इसमें पाकिस्तान ने एक यादगारी 50 रुपये का यादगारी सिक्का जारी किया। वुमेन इन इस्लाम कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में पाकिस्तान ने रिसेंटली होस्ट किया है। और ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान की रैंक 6ठी है, 6 नंबर पर है। टॉपर जो है इसमें अफगानिस्तान है, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी अफगानिस्तान में है। और पाकिस्तान डे जो है 23 मार्च 2023 को ये 83वां जो है वो 83वां एडिशन मनाया गया है। और इसके अलावा बाबर आजम जो हैं ये यंगेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्हें सितारा इम्तियाज से नवाजा गया है। हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान की रैंक जो है वो 108 है। और इसके साथ साथ ज़िया मयुद्दीन का इंतकाल 13 फरवरी 2023 को कराची में 91 बरस की एज में हुआ है। एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 को इंडिया ने विन किया है, रनर अप इसमें मलेशिया रहा है। जलील अब्बास जिलानी जो हैं करंट फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी कि वजीर खारजा हैं। US के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं वो जो बाइडन हैं, 2021 में यह बने हैं। द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड 2023 में ये अरूज आफ्ताब को दिया गया है। और करंट जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की ये शमशाद अख्तर हैं, इसाक डार को इन्होंने रिप्लेस किया। डेनियल नबोवा जो हैं यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं इक्वाडोर के, इक्वाडोर इसका करेक्ट आंसर है। करंट जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर पुटिन हैं, 2012 से लेकर अब तक ये रशिया के प्रेसिडेंट हैं। मुर्तज़ा सोलंगी जो हैं करंट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वजीर इत्तला'आत हैं पाकिस्तान में। विच कंट्री हैज़ बिल्ट, इसका करेक्ट जो आंसर है वो चाइना है। चाइना ने रिसेंटली वर्ल्ड का दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल बना लिया है, चाइना इसका करेक्ट आंसर है। और रजिस्टर वोटर्स की तादाद पाकिस्तान में 2023 में 127 मिलियन है, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन अल अक्सा हमास ने रिसेंटली इसराइल के खिलाफ लॉन्च किया है 7 अक्टूबर को, और इसको ऑपरेशन अल अक्सा का नाम दिया गया है। डियर व्यूवर्स, अभी आपको PDF का भी बताते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आते हैं, और ये जो है बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। इसमें आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं और PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर हम दिन रात मेहनत करके करंट अफेयर्स अपडेट करते हैं। अगर यहाँ तक आप आए हैं तो इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।
और इसके साथ साथ अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, यानी कि ये जो जितने क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं इस वीडियो लेक्चर में, इसमें पहले आपको कितने आते थे, ऑलरेडी कितने परसेंट आपको क्वेश्चंस आते थे, 70%, 80%, 50% या फिर उससे भी कम या फिर उससे भी ज़्यादा, ये आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप इसका पूरा PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने आ जाएगा मंथली पाकिस्तान करंट अफेयर्स फ्री PDF डाउनलोड MCQs। इसका जो नीचे जो आप आएंगे ये वाला आपको नज़र आएगा, ये हमने रिसेंटली ही इसको अपडेट कर दिया है। क्लिक हेयर टू डाउनलोड PDF ऑफ कंप्लीट करंट अफेयर्स पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल अफेयर्स 2022 एंड 2023। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ जो है PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले तो आप मोबाइल फ़ोन में ट्राई करें, अगर मोबाइल फ़ोन में ना हो, क्योंकि फ़ाइल बहुत बड़ी है, इसमें 300 MCQs हैं, तो कंप्यूटर पर ये ज़रूर हो जाएगा, कंप्यूटर या लैपटॉप पर ये डाउनलोड ज़रूर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जो प्रोसेस आपको बताया है इसी तरह आप इसका PDF जो है वो 100% जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हम व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो 0308253000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।